अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट मलाकान दिफाई और तारीखी लिहाज से एक अहम मकाम है, क्योंकि ये बाजोड़, लोरदीर, सवात और बनेर के लिए गेटवे का काम करता है और खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में ये डिस्ट्रिक्ट मलाकान गिरा हुआ है। आज हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलाकान को, आप हमारे साथ रहिएगा। मालाकंड आबादी के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिवीजन है। ये इलाका पहले मालाकंड एजेंसी कहलाता था और इंतजामी तकसीम के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा के पुराने नाम सूबा सरहद की इकाई था, मगर 2000 में होने वाली मकामी हुकूमतों की असलाहत से इसका बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया गया है। अब इस डिवीजन में चित्राल, लोरदीर, अपरदीर, सवात, बुनेर, शांगला और मलाकंड के अजला शामिल हैं। 1970 तक ये इलाका सूबे के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात में शुमार होता था और इसको मलाकंड एजेंसी के नाम से पुकारा जाता था। मलाकंड डिवीजन का सदर मकाम सैदू शरीफ है। बरतानी तसल्लत के दौरान हैरड आर्थर डीन यहाँ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे। वो एच ए डीन के नाम से मलाकंड में मशहूर थे। खूबसूरत कोसारों और वादियों में गिरा हुआ ज़िला मलाकंड दो तहसीलों पर मुश्तमिल है। पहली तहसील दरगई और दूसरी बटखेला है। सूबाई कंट्रोल में आने के बाद इस ज़िले की तजारत में नुमाया इजाफा और तब्दीलियां आई हैं और अब इस इलाके ने काफ़ी तरक्की की है। मलाकंड डिस्ट्रिक्ट में वाक़ बटखेला बाज़ार इलाका भर में ख़ास अहमियत रखता है। ये एक बड़ा और लम्बा बाज़ार है। अच्छा, ये बटखेला के बाज़ार की ज़रा हिस्ट्री बताइएगा, कितना पुराना बाज़ार है ये? ये तो 1895 से पहले ये गांव के अंदर था, जो उस वक़्त हिंदू कम्युनिटी भी इधर रहती थी। तो अंदर था, जब 1895 में अंग्रेज़ आए तो ये बाज़ार थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल एजेंट का जो निज़ाम कायम हुआ, जो अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, तो उसके साथ बाजवाड़ दीर। अच्छा, अशोक भी यहाँ से गुजरा है? अशोक, बिल्कुल, अशोक तो सो पहले, बहुत पहले गुजरा है। अच्छा, तो फिर आप बताएं, फिर अंग्रेज़ दौर में 1895 में अंग्रेज़ आए, पॉलिटिकल एजेंट का निज़ाम कायम किया, तो उससे ये मलाकंड से बाजवाड़, दीर, चतराल इसको कंट्रोल करते थे। अच्छा, अब बताइएगा इस बाज़ार से कितने लोग वाबस्ता हैं, ज़रिए रोज़गार उसे उनका वाबस्ता है यहाँ, और किन किन इलाकों से उनका तल्लुक है? क्या लोकल लोग हैं सारे इस बाज़ार के? बिल्कुल जी, लोकल लोग भी है और दीर के लोग भी है, चतराल की भी है, शांगला की भी है, बुनेर की भी है, और उधर जो बाजवाड़ इलाके के भी लोग, इधर मोमन के लोग भी इधर काम करते हैं। अच्छा, जैसे इस कहा जा रहा है जी कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसमें कितनी एक सच्चाई है? कैसे कहा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है ये? इस तरह है कि ये बग़ैर चौक के लंबा बाज़ार है, यानी इसमें एक चौक मौक नहीं है, बग़ैर चौक के लंबा बाज़ार है। और कितने किलोमीटर पर है ये मुश्तमिल? ये तकरीबन 4 किलोमीटर पर होगा। 4 किलोमीटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक है? ये FG पब्लिक हाई स्कूल से स्टार्ट होता है और जो अमानदर्रा तक है उधर तक, अमानदरा तक जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इस बाज़ार की कोई मशहूर सौगात, कोई चीज़ यहाँ पर जो तैयार होती हो वो क्या है? पहले ज़माने में जो था उसमें कबाब बहुत मशहूर था, लोग बटखेला के कबाब को खाने के लिए बहुत दूर दूर तक आते थे। अभी अमृतसर बहुत मशहूर है। अमृतसर ये मिठाई है? ये मिठाई है, ये चावल से बनते, जो सफ़ेद चावल है उससे बनता है, चीनी उसमें होता है, और ये बाहर मुल्क को भी सप्लाई होता है जो बटखेला का अमृतसर है। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहते हो हिस्ट्री के हवाले से इस बाज़ार की?
इधर जो मुकामी जो पांच कबाइल हैं, कौन कौन से कबाइल हैं, ये यूसुफ जे तो बड़ा शाख है और पीस में उमर खेल है, इब्राहिम खेल है, मदे खेल है, बले खेल है, ये पांच शाखें हैं। तो उनका ये आबाई जेदाद है और फिर जो बाहर से लोग आए तो उसने कुछ उससे ज़मीनें ली है और उसमें अपनी दुकान बनाए हैं और अपने लिए रोज़गार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये इस बाज़ार की हिस्ट्री थी और यहाँ जो मकामी जो कबाइल मकामी जो कम्युनिटी के मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं उनके बारे में इन्होंने बताया जी कि कितने कबाइल के ऊपर मुश्तमल ये बाज़ार है। दूर दराज से मसलन कहा जैसे इन्होंने के दीर से बाजोड़ के लोग भी का ज़रिए महाशीसी व बाज़ार से वाबस्ता है, मुख्तलिफ़ किस्म का बिज़नेस करते हैं और ये बेसिकली सबका अदवार में भी ये गेट वे का काम करता रहा है और अभी भी जब भी आप इस बाज़ार से गुजरते हैं, चाहे आपको चित्राल का सफ़र करना पड़े, सवाद का करना पड़े या लोअर दीर की तरफ जाना पड़े, बुनेर की तरफ जाना पड़े, इसी बाज़ार से ही होके आप गुजरते हैं। जी अमरसा की एक शॉप आ रहे हैं, इस मिठाई का नाम भी अमरसा है और कह रहे हैं कि बहुत ही कदीमी शॉप है और यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर भी है इस बटखालिया बाज़ार की, हम इनसे बात करें। जी सबसे पहले बताइएगा कि ये मिठाई तैयार कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरसा चीनी वाली भी होती है, गुड़ वाली भी होती है, ये ख़ास चावल से तैयार की जाती है और बटखालिया बाज़ार का मशहूर अमरसा होता है। ये लोग बाहर भी लेके जाते हैं, सऊदी अरब बाहर ममालिक बाहर ममालिक में भी लेके जाते हैं। यहाँ पर जब लोग स्वाद में स्वाद गाला वगैरह चक्कर लगाए के लिए जाते तो वापसी पर अमरसा लिए बगैर नहीं जाते। जी नाज़रीन, ये जो मिठाई है यहाँ की अमरसा, ये बेसिकली चावल से तैयार की जाती है और दो किस्म की तैयार की जाती है, एक चीनी की जैसे ये चीनी वाली है और उसके बाद एक गुड़, इसमें गुड़ शामिल किया जाता है और इंतहाई खाने में भी लजीज है और एज ए सौगात लेके जाते हैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं। मलाकंड की जंग में स्पेन बाबा जिन्हें सिकंदर बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है का बहुत अहम करदार है। मलाकंड पहुंचे तो यहां एक सब्ज गुम्बद वाली मस्जिद और मज़ार दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है जो शहीद मलाकंड स्पेन बाबा की आखिरी आरामगाह है। इनका असल नाम सिकंदर शाह बाबा है जिन्होंने 1895 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया। यही वजह है कि मलाकंड के मकामी इन्हें अपना हीरो मानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा इन बुजुर्गों के बारे में, पूरा इनका नाम क्या था और कौन से मार्के में ये शहीद हुए हैं? ये सिकंदर शाह उसका नाम है जी और स्पिन शहीद के नाम से ये मशहूर है। तो 1895 से पहले तो अंग्रेज़ यहाँ आए थे और खैबर पख्तूनख्वा में जो यहाँ सुबह सरहद था और पूरे बरसगीर में उनके वो हुकूमत कायम थी, मगर 1895 में ये चतराल में जाना चाहते थे तो ये यहाँ से वहाँ इस वक्त तीन रियासती थी, आज़ाद रियासती थी, एक स्वात था, एक दीर था और एक यहाँ मलाकंड का जरगा था। तो ये यहाँ आ रहे थे तो इस रास्ते पर ये पख्तूनों ने उसके ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत की कि आप चतराल को बहाना बनाकर हमें कब्ज़ा करना चाहते हैं, हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस रास्ते से दरगाह की तरफ से जो रास्ता आ रहा है ये नौशेरा से हो रहे थे तो ये उन्होंने उसे इस रास्ते से जाने भी नहीं दिया जी। तो इसके अलावा इस रास्ते की और भी तारीखी अहमियत है, ज़रा हमें वो भी बताइएगा। मुख्तलिफ ये एक है कि मलाकंड माँ और ला माला माला हार को कहते हैं और कुंड जो है ये पहाड़ों को कहते हैं, मलाकंड या पहाड़ों की हार एक ये है, कोई कहता है कि ये पानी का है माँ और लाकुण है ये इस तरह है, मगर खुशहाल बाबा जब इस तरफ इस रास्ते से आ रहे थे पहले यहाँ एक पैदल रास्ता होते थे और घोड़ों खच्चरों पर, तो उन्होंने यहाँ के हवाले से एक शेर किया कहा है कि पदालार्द शाह सवार खतल ग्रांदी
गोड़ा सोबा बांधे खेजे मलकंडे। वो अपने वो घोड़े को कह रहे हैं कि ये शाह सवारों का ये रास्ता है, घोड़े घुड़सवारी को शाह सवारी भी कहते हैं, तो इस पर इस तरह के शाह सवारों का चढ़ना भी मुश्किल है। और अपने वो घोड़े को वो कह रहे हैं कि आप इस तक कब कब तक उस पर चढ़ोगे, तो इस हवाले से बहुत मशहूर है जी। आप जी नाज़रीन, ये था मलाकंड के बारे में, मलाकंड की हिस्ट्री के बारे में, और मलाकंड के जो उस वक्त के बहादुर कबाइल थे उनकी एक दास्तान थी। जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि चाहे फाटा हो या पाटा हो, यहाँ पर हर द्वार में रेजिस्टेंस शो किया है मकामी लोगों ने लश्कर बना के। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलाकंड को, हम लिए जा रहे हैं आपको एक नए पॉइंट के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट मलाकंड के इलाके बटखिला में मौजूद हेडवर्क मकामी टूरिस्ट के लिए बहुत पुरकशिश है। गर्मियों में सियाहों की बड़ी तादाद सैर व तफरी की गर्ज से यहां का रुख करती है। यहां जबां मलाकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जैसे अहम मकामात हैं, जहां से पानी 3 मील लंबी सुरंग से गुजरता है और कुदरती तौर पर 350 फुट की ऊँचाई से गिरता है। और ये दोनों पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ मलाकंड के लोगों के लिए भी ज़राए आमदन का सबब हैं। हजारों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो हर साल सवात जाते हैं बरास्ता मोटरवे भी, और पुराने रूट की हम जब बात करते हैं तो मलाकंड से होते हुए ही सवात के मुख्तलिफ जो टूरिस्ट मकामात हैं उनका वो विज़िट करते हैं, जैसे कलाम हो गया, मालम जब्बा हो गया, सैदु शरीफ हो गया। लेकिन बटखिला के करीब एक पिकनिक स्पॉट है जिसको वो मिस करते हुए जाते हैं, और आज हम आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बटखिला के करीब अमान दरा, और अमान दरा के ऊपर हेडवर्क्स बना हुआ है जिसकी एक तारीखी अहमियत भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से। हेडवर्क्स अमान दरा की जो हिस्ट्री है वो हमें बताइएगा ज़रा। हेडवर्क अमान दरा की हिस्ट्री यही है सर जी कि ये ब्रिटिश के गवर्नमेंट के वक्त बनाए, 1907 में उसका आगाज़ हुआ और 1912 उसमें कम्प्लीट हुआ है। आपके सामने जो है ना ये मेन किनाल है, ये जाता है, इसके तकरीबन लेंथ जो है ना 19,000 फुट है। आगे जो मलकंड है उसमें जो टनल है, दो टनल, एक नाम है एक्जिलियन टनल और दूसरा का है बेंटन टनल। बेंटन टनल का लेंथ जो है ना ये 11,200 है और एक्जिलियन टनल का लेंथ है 11,234 फुट। जब ये पानी आगे चलता है तो उस पर तीन जो है ना पावर हाउस है, एक जबन पावर हाउस और ये जबन टू है, और एक तीसरा जो है ना मलाकंड 3 पावर हाउस है। मलाकंड 3 पावर हाउस 81 मेगावाट बिजली मुहैया करता है और अभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहा है। अच्छा, अंग्रेज़ दौर में जब उन्होंने ये किस मकसद के लिए काम किया था, उस वक्त भी ये पावर के लिए कायम किया गया था हेडवर्क? दोनों साइड पे उन्होंने काम किया, सोचा था ये जो पानी जा रहा है ना मेन किनाल पे ये पावर हाउस में जाता है, पावर उसके बाद वो एग्रीकल्चर पे वो सर्फ हो जाता है, वहाँ उस एग्रीकल्चर का काम भी लेता है इसमें। तो कितनी मेगावाट बिजली अभी इससे पैदा हो रही है? 81 मेगावाट बिजली जो है ना मलाकंड 3 मुहैया करता है, और 20 जबन 1 और 20 मेगावाट जो है ना ये जबन 2 पैदा करता है। अच्छा, एग्रीकल्चर को कितना ये सैराब कर रहा है? ये तकरीबन एग्रीकल्चर का जो सैराब करता है 27,08,755 एकड़ ज़मीन सैराब करता है। अच्छा, टूरिज्म के हवाले की जब हम बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर या इसको मिस करते हुए स्वाद की तरफ निकल जाते हैं? ये तकरीबन ज़्यादा तो मिस करते जाता है क्योंकि थोड़ा सा साइड में है, बटखेले के साइड पर है, तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं है। तो लोकल लोग आते हैं यहाँ? लोकल लोग बहुत आते हैं जी। आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया हेडवर्क्स जो बटखिला में है, बटखिला के सात बाज़ार के साथ ही ज़रा साइड पर है, तो आपका जब भी गुजर हो यहाँ से बटखिला से और मलाकंड टॉप से तो इस पॉइंट को देखें, आप इंजॉय करेंगे और ख़ूबसूरत पानी बहता हुआ आपको नज़र आएगा, सरसब्ज़ आपको खेत भी नज़र आएंगे, पहाड़ भी नज़र आएंगे,
और यहाँ से आप होते हुए आगे गुजर सकते हैं और यहाँ रेस्ट हाउस भी कायम किया गया, उसका भी हम आपको विज़िट कराएंगे। यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं थ्रू अगर प्रॉपर चैनल आप आते हैं, उसके बाद आप सवात की खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमने आपके लिए आज डिस्कवर किया है फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से, हेड वर्क्स बट खेला अमान दरा। जी इस बात हम हेडवर्क्स पर ही हैं, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है और जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो आए हुए हैं पिकनिक मनाने। शाम का टाइम है, हम बातचीत भी करते हैं और हम आपको बताते चलें कि ऐसे दूर दराज से जैसे शहरों से तो लोगों का यहाँ रुख नहीं है, लेकिन जो मुकामी लोग हैं शाम के टाइम खुसूसन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं क्योंकि गर्मी भी अभी शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद, जी नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद रेहान नाम है मेरा, ये बटखेला रहने वाला हूँ, अभी इधर आए पिकनिक मनाने के लिए। अच्छा, तो बटखेला से आए हैं यहाँ पर? हाँ बटखेला से। तो हमें बताएं कि क्या लग रहा है यहाँ, क्या महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर? पे बहुत अच्छा मौसम है और हम गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ पे आए पिकनिक मनाने के लिए, और इधर पानी भी है तो इसका जो शोर है वो बहुत अच्छा लगता है, और फिर जो हवा चलती है यहाँ पे ठंडी ठंडी उसके इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए। तो ओवरऑल इसे अमान दरा के बारे में बताएं, यहाँ पर क्या कुछ पैदा होता है और लोकल चीज़ कौन सी मशहूर है यहाँ? यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होती है जैसे गंदम हो गए ये सब पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास जगह है ना यहाँ पे प्याज की बहुत बारी जो फसल होती है वो होती है, और यहाँ पे जो आड़ू होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे मंदरा में। अच्छा, आड़ू मंदरा में भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा हमें बताइएगा, ये इतना खूबसूरत पॉइंट है तो इसको अभी तक डेवलप क्यों नहीं किया गया? फर्स्ट टाइम हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान से, तो जो सियाह हैं दूर दराज के टूरिस्ट वो यहाँ से मलाकंड से होते हुए सवात चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं मालम जबा की तरफ, और इतना खूबसूरत पिकनिक स्पॉट यहाँ क्यों नहीं आते, वजह क्या है? यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी डेवलपमेंट के पिकनिक स्पॉट बनाए जाएँ, स्पॉट बनाए जाए, मोटल इस्टेब्लिश किए जाएँ यहाँ पर। ये जगह बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं है ना, डेवलप नहीं हुआ। क्या मैसेज क्या है आपको, सुन रहे हैं आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में इस बार सुनी जा रही है, क्या मैसेज देंगे आप? हम तो सारे पाकिस्तान को ये मैसेज देंगे कि ये जो यहाँ पे जो मलाकंड के ऊपर जगह है ये बहुत खूबसूरत है, पुरमन जगह है, यहाँ पे लोग आए सैर के लिए आए, ये जगह को एक्सप्लोर करें, दुनिया को बताएं कि ये पुरमन जगह है, यहाँ पे आ जाए पिकनिक करें। ये हमने आपके लिए आज एक्सप्लोर किया यहाँ पर अमान दरा का हेड वर्क्स, और जैसे इन्होंने भी बताया कि थोड़ी सी अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे, खैबर पख्तूनख्वा का टूरिज़म डिपार्टमेंट, यहाँ पर कुछ मोटल्स बनाए जाएँ, रेस्टोरेंट कायम किए जाएँ, पिकनिक स्पॉट की एक है यहाँ पर एक जगह बहुत ही खूबसूरत इस्टेब्लिश हो सकती है, और उसको देखे देखे फिर टूरिस्ट भी यहाँ एक्टिव होंगे। लेकिन हमने एक्सप्लोर कर लिया है और इंशाल्लाह जो भी हमारे इस चैनल को प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र डिस्कवर पाकिस्तान पर देखेगा तो यहाँ का रुख करेगा, आप भी यहाँ पर आएँ, आप इंजॉय कर सकते हैं जैसे मुकामी लोग यहाँ पर शाम के टाइम इंजॉय करने आए हुए हैं। चले एक नई जगह, आओ मिल
जी अमीन साहब हैं, केयर टेकर हैं इस रेस्ट हाउस के हमारे साथ। हम इनसे डिटेल पूछते हैं इस रेस्ट हाउस के। जी अमीन साहब बताइए गदरा कि कब ये कायम हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। ये 1902 में बना हुआ था, अंग्रेज़ों ने बनाया है 1902 में। जब ये लोग कहाँ जाते थे ना, हेडवर्स बनवाया और ये रेस्ट हाउस बनाया 1902 में इसने, और ये हेडवर्स बनवाया 1907 में। ये सारा जो है ना 1914 में कम्प्लीट हुआ था। हाँ, पहले उसने रेस्ट हाउस बनाया था, ये सारा पहाड़ था। उसने काट काट के सारे पत्थर निकाल के हेडवर्स भी बनवा दिया, एक किला भी बनवा दिया और रेस्ट हाउस भी बनवा दिया उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद जब पाकिस्तान कायम हुआ तो किसने इसको टेक ओवर किया, कौन से डिपार्टमेंट ने? इरीगेशन डिपार्टमेंट ने। अच्छा, कितना अर्सा इरीगेशन के पास रहे? ये 2017 तक, यानी 2017 1947 से लेके 2017 तक इरीगेशन के पास रहे, इरीगेशन के और उसके ऑफिसर इसको यूज़ करते रहे। बिल्कुल जी। अच्छा, तो उसके बाद आप किन ने टेक ओवर किया इसको? ये जो ना टूरिज्म वाले के पास किया जी। अच्छा, फिर टूरिज्म वालों के पास किया। अभी टूरिज्म खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म के पास है। टूरिज्म के पास ही। जी नाज़रीन, ये थी हिस्ट्री इस रेस्ट हाउस की जो 1902 में कायम हुआ, अभी खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म के पास है। उन्होंने इसको टेक ओवर किया हुआ है, बहुत जल्द इसकी रेनोवेशन भी स्टार्ट होगी। और क्योंकि इसको पिकनिक स्पॉट के तौर पर ऐसे लिया जा रहा है बकौल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के, और यहाँ पर बहुत जल्द टूरिस्ट रिजॉर्ट भी बनाए जाएंगे और बहुत कुछ भी एक्टिविटीज़ होंगी। आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया ये रेस्ट हाउस और साथ ही हेडवर्क्स। सारे कदीमा के मुताबिक मालाकांड की एक अलग तारीखी अहमियत है। ज़माना कदीम में मालाकांड गंधारा तहजीब का हिस्सा था। यहाँ आज भी बुत मत के आसार कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। जी नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि बेसिकली जो मलक्कंड डिस्ट्रिक्ट है ये गंधारा सिविलाइजेशंस का एक होम है, यानी घर है। यहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों के जो आसार हैं वो भी मौजूद हैं और पाए जाते हैं, और ख़ास करके जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मलक्कंड डिस्ट्रिक्ट आरिफ खान यूसुफ जई साहब, उनसे हम ओवरऑल बात करेंगे, गेटवे की भी बात करेंगे, सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे और टूरिज़म की भी बात करेंगे। हमें सबसे पहले बताइएगा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मलक्कंड के बारे में। डिस्ट्रिक्ट मलक्कंड जो है ये एक गेटवे है टूवर्ड्स मलक्कंड डिवीज़न। अभी जैसा कि आपको पता है कि मलक्कंड डिवीज़न में कोई 9 ज़िले हैं, स्वात है, शांगला है, बुनेर, अपर चतराल, लोअर चतराल, बाजोड़, तो ये जितने भी डिवीज़न है ये इसका गेटवे है। यहाँ से जितने भी सियाह स्वात की तरफ जाते हैं, जितने भी सियाह जो है वो दीर की तरफ जाते हैं, तो वो मलक्कंड क्रॉस करके यहाँ से जाते हैं। तारीख़ी एतबार से भी अगर देखा जाए तो मलक्कंड का अपना एक मुनफरद मकाम है, और जिस तरह आपने कह दिया कि जो हमारा गंधारा सिविलाइजेशन है, गंधारा सिविलाइजेशन जो है बेसिकली स्वात में अगर आपने देखा होगा बुतखड़ा का जो एरिया है वो उसका एक मरकज़ था, तो उसी एतबार से अगर देखा जाए तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मलक्कंड है, मलक्कंड में फिर पलई का एरिया है, ये अभी आपको सामने एक स्कल्पचर जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये दरियाफ्त हुआ था 1932 में, EH कॉप एक अंग्रेज़ था, पलई के इलाके से उसने ये दरियाफ्त किया था। फिर आपको यहाँ पे इस तरह के हज़ारों किस्म के जो नवादरात है वो आपको मिलेंगे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो एरिया था मलक्कंड डिस्ट्रिक्ट और मलक्कंड डिवीज़न, ये गंधारा आर्ट जो था या गंधारा जो सिविलाइजेशन था ये उसका एक हाथ था। अच्छा सर, बताइएगा टूरिज़्म के बारे में कि किस किस्म आप चाह रहे हैं, KP गवर्नमेंट चाह रही है ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट मलक्कंड में भी कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए, जाएंगे खूबसूरत पॉइंट हमने देखे हैं जैसे हेडवर्क्स, क्या ज़बरदस्त प्लेस है, लोकल लोग वहाँ पर आते हैं, रात को भी बैठते हैं हमने देखे हैं, लेकिन जो हमारे सियाह हैं वो बटखेला बाज़ार को पास करते हुए कलाम पहुँच जाते हैं इतने खूबसूरत पॉइंट को मिस करते हुए, तो क्या समझ रहे हैं कि कब तक इसको आप डिवेल्प करने जा रही है KP गवर्नमेंट? खूबसूरती के हवाले से अगर देखा जाए तो मलक्कंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी किसी भी ज़िले से कम नहीं है खूबसूरती के हवाले से। यहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, जिस तरह आपने ख़ुद जिक्र किया कि जो हमारा जो हेडवर्क से अमांदरा के, तो अनकरीब इंशाल्लाह वो जो काम है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा, और हमारी ये कोशिश है कि इस एरिया को हम टूरिज़म के लिए और टूरिस्ट के लिए फिजिबल बना सकें।
हमने बहुत देखा है जब सैयद जावेद साहब से जहाँ पर कमिश्नर, वो भी कह रहे थे कि लोगों को हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उस वक्त हमने इंटरव्यू किया हुआ है पुराने द्वार में उनका, मलकंड लेवीज, मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह ये तो एक प्रोफेशनल फोर्स बनती जा रही है, आप उसके कमांडेंट भी हैं, ज़रा इसके बारे में बता दें। मलकंड लेवीज जो है ये बेसिकली जो रेज हुई थी 1894 में इसको रेज किया गया था। इनिशियली जो मलकंड लेवीज थी इसका काम जो था वो बेसिकली जो गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन थे उसकी हिफाजत ही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर 1970s में जब ये मलकंड जो डिस्ट्रिक्ट था ये मर्ज हो गया और यहाँ पे जो FCR का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, तो बाकायदा यहाँ पे जो मलकंड लेवीज है ये एक प्रोफेशनल फोर्स है। जिस तरह देगर ज़िलों में पुलिस का अपना एक सिस्टम होता है FIR लॉजिंग वगैरह फिर क्राइम कंट्रोल के हवाले से, तो सिमिलरली वही जो रोल है वो यहाँ पे मलकंड लेवी जो है वो परफॉर्म कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे तकरीबन यहाँ पे हो गई कोई 5 से 6 महीने, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ मलकंड लेवी को देगर अजला की पुलिस के साथ, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो देगर अजला के नस्बत काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। जी, तो वाच के बारे में, शमसी वाच सर। अच्छा, ये जो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा है ना ये जो सेटअप, जी जी, ये जो घर है ये उस टाइम बनाया था मेजर डीन ने, कोई 1894 में ये घर बना था, 1894 में मलकंड एक्सपीडिशन के बाद। ये जो आपको जो नज़र आ रहा है सोलर वॉच, ये बेसिकली जब जॉर्ज सिक्स की जब ताजपोशी थी यहाँ पे 1937 में, तब ये जो था ये सोलर वॉच यहाँ पे लगाया गया था। और इसकी बड़ी एक जो एक जो खासियत है वो ये है, ये आपको नज़र आएगा इसका जब सूरज की वो जो है ना वो तपिश, वो जब इस पर लगती है तो इसका शेड जो है ना वो आगे जाके फिर आपको आगे टाइम देता है। आप एक्यूरेट टाइम क्या टाइम हो रहा है ये बता रही है अभी, अगर आप देखेंगे ना तो ये एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं। जी जी, तो ये जो शेड है ना ये बिल्कुल आप अगर देखेंगे, जी जी बिल्कुल, तो 2 के ऊपर है, ये एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट जो टाइम है वो आपको देंगे। तो इसी टाइम के साथ अगर आप 42 मिनट्स अगर ऐड करेंगे, जी जी, तो वो आपको देगा दिल्ली का जो टाइमिंग है, दिल्ली का टाइम वो आपको देंगे। इसके साथ साथ ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं इसका अपना एक तारीख, एक मकाम है इस जगह का, ये 1894 में जो पॉलिटिकल एजेंट का हाउस था ये यहाँ पे बना था मलकंड एक्सपीडिशन के बाद। और 1916 में इसके साथ जो अटैच जो एनेक्सी है वो बनी हुई थी, तो उस हवाले से भी इस जब ये जो DC हाउस है इसकी अपनी एक मुनफरद एक मकाम है। अच्छा, ये आपने बताया उस वक्त के ये वायसराय का बेसिकली घर था, ये पॉलिटिकल एजेंट मेजर डीन जो थे वो यहाँ पे 1895 में पहले पॉलिटिकल एजेंट थे, और मलकंड एक्सपीडिशन जो हुआ था वो 1894 में हुआ था, तो 94 के बाद जाके 95 में फिर यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट का हाउस बना था। मलकंड डिवीजन के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर डीन, उनका बेसिकली ये मलकंड डिस्ट्रिक्ट के जो पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि जो स्वात जो था ना स्वात वो तो एक अलग रियासती धीर जो थी वो भी एक अलग रियासती, सिमिलरली ये जो चित्राल है तो सिर्फ जो मलकंड डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे बैठा करते थे पॉलिटिकल एजेंट। अच्छा सर, इसके अलावा कोई और हिस्ट्री इसके बारे में टॉप के ऊपर, इस बात हम मलकंड टॉप के ऊपर हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? टॉप में यहाँ पे आपको नजर आएगी जो अरबी के जो फोर्ट वगैरह हैं, अगर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो अरबी फोर्ट है वो आपको नजर आएगा। इसकी फिर अपनी एक हिस्ट्री है, ये भी तकरीबन कोई 1894-1895 में ये जो फोर्ट था ये उस टाइम बना हुआ था। और ये जो आपको सामने बिल्कुल ये जो सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो उस टाइम तो ये बिल्कुल एक वीराना सा था, यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ही एक्टिविटीज़ बढ़ती गई तो यहाँ पर लोगों का आना भी शुरू हो गया। और मौसम के हवाले से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा अच्छा मौसम है मलकंड टॉप के हवाले। टूरिस्ट के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से? टूरिस्ट के लिए मेरा बस एक ही पैगाम है कि मलकंड डिस्ट्रिक्ट और मलकंड डिवीजन ये सबसे एक जो पुरअमन एरिया है वो है, और मलकंड जो है ये गेटवे है, मलकंड के थ्रू ही आपने आगे जाना है स्वात की तरफ, आपने जाना है धीर की तरफ, आपने आगे जाना है शांगला की तरफ, तो बिल्कुल बेखौफ व ख़तर आप यहाँ से गुजर सकते हैं। आपको जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर किस्म की जो फैसिलिटेशन है वो आपको देगी। और अभी इसी हवाले से टूरिज़्म के हवाले से दरगाह के मकाम पे अभी हम एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन जो सेंटर है वो भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं,
सिमिलरली जो मोटरवे का एरिया है, जैसे आप मोटरवे क्रॉस करते हैं तो उधर भी हम एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन जो सेंटर है वो हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि जो हमारे टूरिस्ट हैं जो आगे जाएंगे मलकंड डिवीजन के देकर अजला की तरफ, उनको हम फैसिलिटेट कर सकें, उनको हम इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि वो जो अपना सफ़र है वो आसानी के साथ तय कर सकें। नाज़रीन, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट मलाकंड को और हमने आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र दिखाए, ख़ास करके हेडवर्स के। आज जब भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से होते हुए आप सवाद की तरफ या मालम जब्बा और सैदुल शरीफ की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ये खूबसूरत पॉइंट है रास्ते ही बटखेला बाज़ार के साथ, जब भी आपका यहाँ से गुजर हो तो उसका विज़िट कीजिएगा, आप इन्जॉय करेंगे। और जैसे डीसी इंतज़ामिया के बकौल के बहुत जल्द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो दरगाह के मुकाम पर खोला जा रहा है, जो टूरिज़्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ख़ास करके मलाकंड डिवीज़न के बारे में और मलाकंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को और डिस्ट्रिक्ट मलाकंड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।